नादिया तुमसे भी मैं लैशेस के बारे में ही सवाल करूंगी, क्योंकि आजकल लैशेस लगाने का फैशन मैंने देखा है ज्यादा हो गया है। एक सवाल मैं तुमसे ये करूंगी नादिया, लोग परमानेंट लैशेस लगवा रहे हैं, लोग एक एक लैश जो है वो फिक्स करवाते हैं, वो ज्यादा बेहतर है कि ये वाली लैश लगाना ज्यादा बेहतर है, तुम्हें क्या लगता है? देखिए मैं परमानेंट लैशेस लगाती हूँ, एंड परमानेंट लैशेस बहुत अच्छी रहती हैं, एंड जिन खवातीन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है या उनको वो थोड़ा सा आसान रास्ता चाहती है, इन्हों की यार हर वक्त मस्कारा ना लगाना पड़े, क्योंकि वो रोज का झंझट होता है कि जी आपको रोज मस्कारा लगाना है। और अगेन कुछ खवातीन की अच्छी फीचर्स हैं वो उनकी आंखें होती हैं, तो वो चाहती हैं कि हमारी आंखें जो हैं वो कॉन्स्टेंटली अच्छी लगे, चाहे आपने मेकअप किया हो या ना किया, मुंह धुलावा हो, मगर मस्कारा लुक जो है वो लगी हुई हो, प्रोमिनेंट हो, तो उसके अंदर जो है वो आप जब लैशेस लगाते हैं जो परमानेंट लैशेस होती हैं। लेकिन परमानेंट लैशेस का मैं सिर्फ एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जी ये 100% परमानेंट जिंदगी भर के लिए लगती हैं। ये लैशेस ऐसी होती हैं कि आपको ये ग्लू से लगती हैं, और लेकिन ये लॉन्ग टर्म ग्लू होती है, मीनिंग थोड़ी से तीन हफ्ते तक चलती है। हाँ, तीन हफ्ते बाद क्या होता है, रीफिलिंग आपको करानी होती है, आहिस्ता आहिस्ता झाड़ी होती है। कुछ लैशेस जो है वो एक महीने तक भी चिपकी रहती है, एक महीने से ज्यादा भी चिपकी रहती है, लेकिन जनरली आई वुड से 80% जो है ना वो आपके एक महीने तक जो है वो निकल आएंगी। अच्छा मुझे बताओ, जब आप साफ भी करें तो क्यूटिप के साथ उसको आप, लेकिन मेरे पास काफी क्लाइंट्स हैं जो बहुत जैसे कहते हैं ना लाइक बदतमीजी से जो है वो अपनी लैशेस को रखती हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है ना उनकी लैशेस झड़ी हैं और ना उनकी लैशेस को खराब हुई हैं। जब हम आर्टिफिशियल लैशेस परमानेंट लैशेस लगाते हैं तो क्या हमें मस्कारा अप्लाई करने की इजाजत होती है? हम मस्कारा अप्लाई, चाहे शादी ब्याह कुछ भी हो। अच्छा, अब अगर हमने आई मेकअप किया वो झड़ गया और आंखों पे गिर गया, फिर कर सकते हैं? फिर कर सकते क्या? जब हमने आई मेकअप किया और आपने लगाई हुई परमानेंट लैशेस, तो उसको साफ करने के लिए फिर आप क्या इस्तेमाल? खाली ब्रश पानी लगा लें या कुछ ऐसा? नहीं, उसको क्लीन कर दें, मतलब वो तो डस्ट ऑफ कर देना। अच्छा, तो वो डस्ट ऑफ तो हो जाता है। ठीक है, मतलब मस्कारे की इजाजत नहीं होती।